हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए और उन सभी औरतों के लिए जो एक नई जिंदगी को जन्म देने जा रही हैं या आप सोच रहे हैं तो टॉपिक है थिंग्स अ वूमेन मच नो बिफोर हर प्रेगनेंसी या मैं ऐसे कहूँ कि काश मुझे ये सब कुछ पता होता मेरी प्रेगनेंसी से पहले इस टाइम मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बता दूँ मैं इस टाइम थ्री प्लस मंथ प्रेग्नेंट हूँ एज uh, एन मुझे तेरह हफ्ते हो चुके हैं एंड मेरी प्रेगनेंसी की जो जर्नी है वो बहुत अप्स एंड डाउंस के साथ गई है मैं एक फॉर्मर पीसीओडी पेशेंट थी और अपनी स्टोरी को मैं आगे अगली वीडियो में कवर ज़रूर करूँगी कि मैं एक पीसीओडी पेशेंट से एक न्यू मॉम कैसे बना अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं या तो आप प्रेग्नेंट हैं तो कॉन्ग्रैचुलेशन्स ये एक बहुत ही ब्यूटिफुल जर्नी है ये भगवान का एक ऐसा गिफ्ट है जो बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है सच में ये जर्नी आपको पूरी तरीके से बदल देगी सीरियसली मेरे तीन महीने के एक्सपीरियंस में मुझे बहुत ज़्यादा चेंजेस फील हुए हैं आज मैं बात करूँगी जो मेरे तीन महीने के एक्सपीरियंसेस हैं साथ साथ अगर आप कंसीव करने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स कुछ बातें ऐसी पता होनी चाहिए जो शायद मुझे मेरे टाइम पे नहीं पता थी मैं इस वीडियो में वो सब फिज़िकली मेंटली और इमोशनली चेंजेस की बात करूँगी जो मैंने अब तक एक्सपीरियंस की हैं, और मैं चाहती हूँ जो लोग बेबी प्लान कर रहे हैं पहले से इन चेंजेस के लिए प्रिपेयर रहें सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो हमें बस अपने आसपास या मूवीज़ में देखकर ऐसा लगता है कि बस दो सोलमेट्स मिले दे मेक लव एंड बूम यू गेट प्रेग्नेंट ये एक जर्नी है जो पूरी रोलर कोस्टर से भरी हुई है आप इसमें हाई टू लो बहुत सारे चेंजेस एक्सपीरियंस करेंगे और सीरियसली ऐसा बिल्कुल नहीं है और ये जितना आसान लगता है उतना है नहीं आई यू रेडी फॉर द चेंज आप एक नई लाइफ को जन्म दे रहे हो आप अपने अंदर एक जान एक जिंदगी अपने अंदर कैरी कर रहे हो ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है पर साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल बात मैं करने वाली हूँ कि ये बहुत मुश्किलों और बहुत ही ज़्यादा दर्द से भरा हुआ है तो पहले तो आपका माइंडसेट होना चाहिए कि क्या आप इन सब चीज़ों के लिए तैयार हो आपके कंसीव करने की डेट से लेके आपके डिलीवरी तक आपको मेडिकेशंस पे रहना पड़ेगा आपको बहुत सारे इंजेक्शंस बहुत सारे टेस्ट से होके गुजरना पड़ेगा आपको मेंटली बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होने की ज़रूरत है सो बीइंग अ लेडी क्या आप तैयार हो क्या आप इस चेंज को करने के लिए अपने आप को फिज़िकली मेंटली इमोशनली तैयार कर रहे हो इनकेस अगर आप तैयार कर रहे हो सो ऑल द बेस्ट अगर आप तैयार नहीं कर रहे हो तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अब आपके ऊपर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है आपको अपनी फूड हैबिट से लेके, अपनी सेक्स लाइफ से लेके, अपनी हर एक चीज़ को चेंज करना पड़ेगा हर एक चीज़ को अपनी ड्रेसिंग अपने इमोशन्स अपने बॉडी अपना सब कुछ चेंज करना पड़ेगा बिकॉज़ यू आर हैविंग अ बेबी यू आर कैरिंग अ बेबी और करना पड़ेगा नहीं वो एक वक्त के साथ कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कुछ लोगों के साथ ऐसा नहीं होता ये फुल्ली आपके माइंड सेट पर डिपेंड करता है आपकी लाइफ पूरी तरीके से अप साइड डाउन होने वाली है क्या आप और आपके पार्टनर इस चीज़ के लिए तैयार हैं इस चेंज के लिए तैयार हैं इन अ वे ऑफ लव मेकिंग इमोशनल स्ट्रेस तुम मुझे पहले की तरह टाइम नहीं देते हम एक साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे uh, मैं बहुत लो ऑन एनर्जी फील कर रही हूँ मैं आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड नहीं कर पाती एक दूसरे को अटेंशन देना या टाइम देना क्या आपको पता है आपके जैसे जिस दिन से आप कंसीव करेंगे उस दिन से लेके आपके बेबी होने तक इवन उसके बाद भी आपका सारा टाइम अपना सारा ध्यान अपने बेबी की तरफ रहेगा अपनी हेल्थ की तरफ रहेगा और बीइंग इन इंडियन सोसाइटी अगर तो आप अकेले रहते हैं तो कोई इशू ही नहीं है कि सिर्फ आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आ, अगर आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं यानी इन के साथ रहते हैं आपको अपना टाइम उनके साथ भी डिवाइड करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली बात है जो आपका टाइम स्पैन कम होगा वो आपके हस्बैंड के साथ ही होगा तो क्या आप और आपके हस्बैंड यानी आपके पार्टनर इस चेंज के लिए तैयार हैं प्लीज़ आपस में डिस्कस करिए और अगर ऐसा है आपके पार्टनर और आप मेंटली तैयार हैं हर चीज़ की पेन और हर सेक्रीफाइज करने के लिए तो यस यू आर रेडी फॉर पेरेंट हुड तो मेरा पॉइंट नंबर टू है आर यू रेडी फॉर द फिज़िकल चेंज अब यहाँ मैं सिर्फ एक लेडी की बात करूँगी जब एक लेडी एक मदरहुड की तरफ बढ़ती है तो उसकी बॉडी में सबसे पहले सबसे ज़्यादा चेंजेस आते हैं आप कितना भी डाइटिंग कर लें आप कितना भी अपने हेल्थ का ध्यान रख लें एवरेजली 10-15 किलो तो आपका बढ़ेगा ही और ये मैं एक फिक्स्ड Uh, ये मैं एक फिक्स्ड वेट नहीं बता रही बट एक एवरेज आपका 10 से 15 किलो वेट ज़रूर पड़ेगा तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं अगर आपको लगता है कि हाँ आज मैं जिन फिगर्स को फ्लॉन्ट कर पा रही हूँ सॉरी कुछ टाइम बाद आप उन फिगर्स को फ्लॉन्ट नहीं कर पाएंगे अनलेस आप मेंटली प्रिपेयर ना हो कि यस ये मेरा बेली बम्प है आपकी ब्रेस्ट uh, में बहुत सारे चेंजेस आएंगे बिकॉज़ मिल्क प्रोडक्शन शुरू होगी आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे आपके फिगर में चेंजेस आएंगे आप 10 से 15 किलो एवरेजली तो गेन करेंगे ही करेंगे आप जितना मर्ज़ी हेल्थ कॉन्शियस हो जाएं आप जितना मर्ज़ी डाइटिंग का ध्यान दे लें बट ये एक प्रोसीजर की डिमांड है कि आपका वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा तो इस चीज़ के लिए भी अपने आप को मैंटली प्रिपेयर करिएगा डिपेंड करता है कि अगर आपके सी सेक होता है या आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो आपकी डिलीवरी के बाद आपको वेट रिड्यूस करने में कितना टाइम लगेगा अगर तो आप पहले से ओवर हैं तो प्लीज़ कोशिश करिए कंसीव करने से पहले अपना कुछ वेट कम कर लीजिए उससे क्या होगा एट प्रेजेंट अगर आपका जितना भी वेट है आप उससे पाँच सात किलो भी कम कर लेते हैं तो जब आपका बेलीबम बढ़ेगा एज एन बेलिबम यानी जब आपका स्टमक बढ़ेगा तो आपका वेट भी ऑब्वियस सी बात है कि बढ़ेगा आपको उतना हैवी फील नहीं होगा क्योंकि कुछ महीने पहले आपने वेट कम किया है और आपको उस वेट को मेंटेन करने में दिक्कत नहीं होगी वैसे तो ये पूरा डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन बट हाँ ये बात है कि सात से आठ किलो से लेके पंद्रह से बीस किलो तक वेट वेरी करता है अपॉन आपके ट्विन्स हैं या आपका सिंगल बेबी है या आपकी सिचुएशन क्या है तो बस पॉइंट नंबर टू में यही एडवाइस है कि आप फिज़िकल चेंज के लिए तैयार रही है और अगर अभी तक आपने कंसीव नहीं किया और अगर, अगर आपको कंसीव करना है सो so प्लीज़ अपना वेट पहले लूज़ कर लीजिए जिससे आपको बाद में दिक्कत ना हो स्पेशली अगर आप ओवर वेट हैं तो अगर आपका वेट आपकी एज के अकॉर्डिंग ठीक है तो ये बहुत ही अच्छी बात है तो बढ़ते हैं पॉइंट नंबर थ्री की तरफ आप कंसीव करने से पहले आप अपनी फैमिली प्लान करने से पहले इवन उसके बारे में सोचने से भी पहले एक दो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिए अच्छा इसके पीछे मैं आपको रीज़न बता दूँ आपको एक प्री काउंसलिंग सेशन रखना बहुत ज़रूरी है चाहे आपने जितनी यूट्यूब पे वीडियोस देख ली हो जितने ब्लॉग्स पढ़ लिए हो बट एक डॉक्टर के साथ वन टू वन कंसल्टेशन दोनों हस्बैंड एंड वाइफ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है आस्क योर क्वेश्चन रिगार्डिंग योर प्रेगनेंसी आस्क योर क्वेश्चन रिगार्डिंग योर conceiving द मेथड ऑफ conceiving द योर ovulation डेज ये सब मैं आपको बता इसलिए सकती हूँ क्योंकि हम लोग नहीं गए थे मेरे साथ कुछ ऐसा सीन हुआ था कि मेरी दो महीने से डेट uh, नहीं आई थी पीरियड्स नहीं हुए थे मुझे देन हम लोग इस चीज़ को डायग्नोस कराने गए थे क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था मैं फॉर्मल पेशेंट रह चुकी हूँ पी की तो मुझे डाउट था कि पी शायद मेरा दोबारा से बॉडी में बन ना रहा तो इस चीज़ की कंफर्मेशन के लिए मैं अपने डॉक्टर के पास गई एंड शी सेड कि आप एक बार ये टेस्ट कर लो तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं मैम मैंने अभी कुछ दिन पहले ही टेस्ट किया है एंड मैं नेगेटिव आया है सो कोई इशू नहीं है आप मेरे को पीरियड्स लाने की दवाई दे दो शी सेड नो आपको ऐसी दवाई नहीं मिलेगी आप अभी मेरे सामने ही टेस्ट करके आओ सो so, uh, मैं गई मैंने नॉर्मल जो टेस्ट होता है प्रेगान यूज़ की जो किट्स आती हैं उससे टेस्ट किया एंड देन आई फाउंड दैट आई एम प्रेगनेंट सो मैं आपको इस चीज़ को सजेस्ट जरूर करूँगी अगर आप पी सी ओ डी पेशेंट हैं या कोई थायरॉइड पेशेंट है कोई हार्मोनल इशू है एक्स वाइजेड कुछ भी है या अगर आप नॉर्मल एक नॉर्मल लाइफ भी जी रहे हैं तो प्लीज़ तब भी आपको एक प्री काउंसलिंग सेशन विद योर गाइने इज़ वेरी मस्ट जिससे अगर आपकी बॉडी में कोई भी दिक्कत है आपको कोई भी तकलीफ है चाहे वो थायरइड हो चाहे वो शुगर हो एक्स कोई भी बीमारी हो आपकी वो प्रॉब्लम आपके कंसीव करने से पहले क्योर हो सके और वो चीज़ आपके बेबी तक ट्रांसफ़र ना हो इसलिए एक प्री काउंसलिंग सेशन साथ में अपना फुल बॉडी चेकअप बहुत ज़रूरी है प्री काउंसलिंग सेशन में हमेशा डॉक्टर सबसे पहले आपको प्रिस्क्राइब करती है समझाने के बाद कि आपको ये ये टेस्ट करा लेने चाहिए मेरा पॉइंट नंबर फोर है फाइनेंशियल चेंज क्या आप एक बेबी अफोर्ड कर सकते हो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बट शायद थोड़ा सा रूट साउंड कर रहा होगा एक बेबी जब से आप कंसीव करते हो जब से आपकी डिलीवरी होती है जब से आपका बच्चा बड़ा होता है याद होगा अगर आपको तो आप जब अपने बचपन में थे आपको बेस्ट सब कुछ चाहिए था बेस्ट क्लास बेस्ट स्कूल बेस्ट साइकिल बेस्ट हर चीज़ बेस्ट चाहिए थी वो हर चीज़ बेस्ट देने के लिए ना आपके पास फाइनेंशली बैकअप ज़रूर होना चाहिए जिस दिन से आपकी कंसीव होगा उस दिन से लेके ऑलमोस्ट फॉर एवर आपको फाइनेंशली बहुत चीज़ों के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा और इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं बहुत सारे अल्ट्रासाउंड होते हैं बहुत सारे इंजेक्शन लगते हैं मेडिकेशन होती है फिर आपकी डाइट फिर आपकी डिलीवरी का खर्चा अगर आपके आपके इंश्योरेंस में मेटर्निटी कवर है तो दैट इज़ वेरी गुड अगर नहीं है तो प्लीज़ इस बारे में कंसीव करने से पहले अपने पार्टनर से ज़रूर डिस्कस करें ये वैसे तो मैंने टॉपिक में कहा था कि मैं कवर नहीं करूँगी बट ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें सबसे ज़्यादा मुझे बहुत दिक्कत हुई थी तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों में से किसी को दिक्कत अगर है तो आप जल्दी से जल्दी अपने इनकोलॉजिस्ट के पास जाइए मैं आपको इसी वीडियो में बता चुकी हूँ कि uh, मैं फॉर्मर पीसीओडी पेशेंट थी एंड uh, अब मैं मदरहुड की तरफ बढ़ चुकी हूँ सो so, इस वजह से क्या होता है ओवलेशन साइक जो मेरे ओवलेशन डेज थे वो बहुत डिस्टर्बिंग थे अच्छा मैं यहाँ पे बता दूँ ओवलेशन डेज क्या होते हैं जिस दिन से आपकी डेट आनी शुरू होती है फ्रॉम योर टीन हर बारी डेट के बाद एक पीरियड्स की साइकिल होती है ट्वेंटी एट डेज़ की उसके बाद जब आपकी अगली डेट आती है यानी आपके अगले पीरियड्स आते हैं उसके बीच में कुछ दिन होते हैं जहाँ हमारे वो एग्स रिलीज़ होते हैं वो एग्स ही हमें कंसीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं उन एग्स के साथ स्पर्म मिक्स होता है तो जाके हम कंसीव करते हैं ये एक प्रोसीजर है बहुत बड़ा जिसे मैंने शॉर्ट पॉइंट्स में आपको समझाने की कोशिश की है ये सब समझने के लिए आप अपने गायने के पास प्लीज़ जाएं और ये सब प्लीज़ आप नेट से मत देखिए ये सब इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो आप रैंडमली कहीं से भी गैदर करके एक्सपेरिमेंट कर लें ठीक है तो मैं बात रही थी कि मेरी पीसीओडी होने की वजह से डेट में इरेगुलरिटी आ गई जो लोग पी पेशेंट हैं वो इस चीज़ से बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे पी सी ओ डी स्टैंड फॉर पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ ये एक हार्मोनल इनबैलेंस की सिचुएशन हो जाती है बॉडी के अंदर ये एक डिज़ीज़ है जिससे आपकी डेट इरेगुलर हो जाती है तो बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है कि अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं तो आपके ओवल्यूशन डेज भी इरेगुलर होंगे मुझे मेरे पीसीओडी के बारे में आ, शादी के बाद पता चला जब मेरी डेट इरेगुलर हो रही थी तो मुझे डॉक्टर्स ने कहा था कोई बात नहीं आप एक दो टेस्ट करा लीजिए तो उसमें मेरा पीसीओडी आया तो इसकी वजह से मेरी जो ओवलेशन साइकिल थी जो मेरे वो एग्स फिल्टर होने वाले कुछ दिन थे वो भी डिस्टर्बिंग थे हालाँकि मैंने इनके लिए कोई दवाई नहीं खाई मैंने कुछ नहीं खाया मेरा नेचुरली कंसीव हुआ पर अगर आप एक पी पेशेंट हैं या अगर आपकी डेट इरेगुलर आती है मेन बात पीसीओडी का सबसे मेजर सिम्टम जो होता है वो ये होता है कि आपके पीरियड्स की जो साइकिल है वो अट्ठाईस से अगर बत्तीस दिन तक है तो तो ठीक है पर अगर बत्तीस दिन से आपकी ऊपर होती है जैसे मेरी डेढ़ डेढ़ महीना डेट नहीं आती थी अगर आपके साथ कुछ भी ऐसी सिमिलर सिचुएशन है तो सबसे पहले आप प्लीज़ अपने गायने से कंसल्ट कीजिए और उनके अकॉर्डिंग अपने टेस्ट वगैरह करवाइए उसके अकॉर्डिंग आप दवाई लीजिए और मेरा लास्ट पॉइंट है डी स्ट्रेस योर जब बात आती है प्रेगनेंसी की तो एक लेडी बहुत ज़्यादा डर जाती है सच बताऊँ तो मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी कि मेरी बॉडी क्या इतनी कैपेबल है कि वो एक नई लाइफ को एक हेल्दी बेबी को जन्म दे सकती है या आ, मेरी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे या जब मेरी डिलीवरी होगी क्या वो सी सेक्शन होगी जैसे सबको पता होगा कि सी सेक्शन में दर्द नहीं होता बट कहते हैं ये पूरी ज़िंदगी का पेन रहता है पर नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा दर्द होता है बट आपकी बॉडी बहुत जल्दी रिकवर कर जाती है तो माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे डाउट्स होते हैं बहुत सारे डर होते हैं नर्वसनेस होती है सो so, सिर्फ़ एक ही जवाब मेरी तरफ़ तो सिर्फ एक ही जवाब मैं आपको दूंगी जो मुझे मेरे बड़ों ने दिया कि ये एक बहुत प्रेशियस गिफ्ट है और बहुत बहुत आप ब्लेस्ड हैं जो आपको ये मिलने जा रहा है इसमें बहुत दर्द होगी बहुत तकलीफ़ होगी आपको मेंटली बहुत ज़्यादा प्रिपेयर रहना पड़ेगा पर जब एक नई लाइफ जो आपने क्रिएट की है वो आपकी गोद में होगी तो ये सारी दर्द ये इंजेक्शन्स ये दवाइयाँ ये तकलीफ़ें कुछ याद नहीं रहेगा याद रहेगी तो उस नन्ही सी जान की मुस्कान जो इन सब से बहुत ऊपर होगी तो अपने आप को डरिए मत अपने आप को मोटिवेट करिए हिम्मत दीजिए अपने आप को साथ ही में अगर आपके घर में कोई लेडी है जो प्रेग्नेंट है अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको सपोर्ट करिए इमोशनली सबसे ज़्यादा ये आपकी लाइफ का किसी की किसी भी औरत की लाइफ का बहुत ही सुंदर फेस है जितनी दर्द जितनी तकलीफ़ है ना वो एक टाइम में यूँ निकल जाएगी बहुत लेडीज़ को डर होता है कि मैं अब अपनी मर्ज़ी का खाना नहीं खा पाऊँगी मैं अपनी मर्ज़ी के कपड़े नहीं पहन पाऊँगी मैं अपनी मर्ज़ी से कहीं घूमने नहीं जा बहुत लोगों की बहुत सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं सो so, ये एक छोटे से टाइम स्पैन के लिए बंद हुई है, ज़िंदगी भर के लिए बंद नहीं हुई है और उस छोटे से टाइम स्पैन में आप एक बहुत बहुत सुंदर काम करने जा रहे हैं तो प्लीज़ अपने आप को स्ट्रेस मत दीजिए ये बहुत ही कम समय की बात है देखते देखते निकल जाएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई अगर आपको लगा कि ये वीडियो किसी के लिए भी यूज़फुल है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और उस इंसान के साथ उस लेडी के साथ ज़रूर शेयर करिए अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन दबाइए और ऐसी ही वीडियोज़ मैं हर ट्यूसडे और सैटरडे लाती रहूँगी थैंक यू सो मच अपना इतना प्रेशियस टाइम देने के लिए और फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी नई जर्नी के लिए और थैंक यू सो मच बाय